हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर मैं आपके लिए एक प्यारी सी और ख़ूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये मैं बना रही हूँ नक्शिकंथा बॉर्डर डिज़ाइन, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे डिज़ाइन को, और ये हमने स्क्वायर बना लिए हैं। अब हमें रनिंग स्टिच इस पर डालना है। हर बॉक्स में हमें दो दो रनिंग स्टिच लेनी है, और हमें ध्यान रखना है जो ये जॉइंट है इसको हमें थोड़ा छोड़ना है। हमें जॉइंट के नीचे से सुई को निकालना है। ये जो क्रॉस है इसके नीचे से हम सुई को निकाल लेंगे, और फिर ऊपर से रनिंग स्टिच लेंगे। फ्रेंड्स, नक्शिकंथा बहुत खूबसूरत स्टिच है, इससे आप अपनी ड्रेस को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। अब हमें इसको ऐसे बीच में जो जॉइंट है इसको छोड़ते हुए नीडल को अगले बॉक्स में ले जाना है। ऐसे करते हुए दो दो स्टिच आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी साइड से भी हमें थोड़ा सा स्पेस लेना है, और फिर रनिंग स्टिच डालना है। ऐसे ही करते हुए हम पूरा बेस बना लेंगे। और फ्रेंड्स, बहुत ही इजी एम्ब्रॉयडरी है, आप इससे तरह तरह के सूट बना सकते हैं, दुपट्टों के ऊपर बॉर्डर डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा है, ऐसे देखिए। और कोई भी आप कलर थ्रेड ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको और भी बड़ा बना सकते हैं, दामन पे बनाइए, थोड़ा बड़ा बॉर्डर डिज़ाइन ले लीजिए। ये मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ, छोटा सा मैं बनाऊँगी। स्लीव्स के ऊपर, नेक के ऊपर, दामन के ऊपर बहुत ही प्यारा लगेगा ये। आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर इसको बना सकते हैं, किसी भी फैब्रिक के ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सिल्क ले लीजिए, जॉर्जेट ले लीजिए, शिफॉन ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए, तमाम फैब्रिक अवेलेबल हैं मार्केट में। अब ये हम पूरा स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे रनिंग स्टिच से। बीच में थोड़ा सा जॉइंट को छोड़ते हुए हमें स्टिच लेना है। फ्रेंड्स, ये हमारा बेस तैयार हो गया है। अब हम इस पर फ्लावर बनाएंगे, जो बीच का हमने जॉइंट छोड़ा है उस पर हम डिफरेंट कलर का थ्रेड लेंगे, और नीडल को इन रनिंग स्टिच से निकाल लेंगे। ऐसे आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप देखिए, पिंक कलर का थ्रेड लिया है मैंने। छोटे छोटे से हम फ्लावर बनाएंगे रनिंग स्टिच में गुजारते हुए। बिल्कुल भी हम कपड़े के अंदर स्टिच नहीं लेंगे, बस इस रनिंग स्टिच के अंदर से गुजारेंगे थ्रेड को। ऐसे इसी तरह हमारा छोटा सा मिनी फ्लावर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये 4 पेटल का हमारा छोटा सा फ्लावर तैयार हो चुका है। ऐसे ही हम पूरा बॉर्डर डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। आप पिंक की जगह ऑरेंज थ्रेड ले सकते हैं, या फिर पर्पल, आप अपने मनपसंद थ्रेड से इस फ्लावर को बना सकते हैं। कुर्तों की स्लीव्स के ऊपर तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा, आप ज़रूर बनाइए। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मैं छोटे छोटे फ्लावर बना रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा इसको बड़ा बड़ा बना सकते हैं। रनिंग स्टिच थोड़े बड़े डालिए, और फिर ये फ्लावर भी खुद ही बड़ा बनेगा। बस ये ध्यान रखना है, इसका जो जॉइंट है इसको हम इसके नीचे से हमें सुई को निकालना है, ऊपर से नहीं, क्योंकि हम फ्लावर इसी के ऊपर बनाएंगे, सेंटर के बीच में। ये देखिए, जॉइंट के बीच में हम फ्लावर बना रहे हैं ऐसे। नक्शिकंथा को आप अपनी साड़ी के बॉर्डर पे भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा।
फ्रेंड्स बॉर्डर डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।